हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक मशीन। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। और ट्रांसफार्मर कोई एक सर्किट नहीं है, इट इज़ अ फिजिकल मशीन। बट उसकी वर्किंग की ड्यूरेशन में, जब वो वर्क करेगा, ट्रांसफार्मर की वर्किंग में कुछ पैरामीटर एग्जिस्ट होते हैं। उन पैरामीटर को अपन ड्रॉ करते हैं एक सर्किट के फॉर्म में, और उस सर्किट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर पैरामीटर विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर ड्रॉन इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्किट। दिस सर्किट इज नोन एज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि ट्रांसफार्मर एक मशीन है, सर्किट नहीं है, लेकिन उसके पैरामीटर जो जो भी एग्जिस्ट होंगे वर्किंग में, ड्यूरेशन में, वर्किंग की ड्यूरेशन में, उसको हम ड्रॉ करेंगे और उससे एक सर्किट बनाएंगे और वही हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है हमारा, इसमें टू पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे देयर आर टू पार्ट्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, एक यहाँ पे दिख रहा है और ये राइट हैंड साइड में। तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया हमारा, इट इज़ प्राइमरी सर्किट एंड इट इज़ सेकेंडरी सर्किट। तो ट्रांसफार्मर में दो सर्किट हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट। अब प्राइमरी सर्किट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया है, जिसका आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज V1। यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई हमने इसमें प्राइमरी में दिया है, वाइंडिंग में कनेक्ट किया है इसमें, और यहाँ से एक करंट फ्लो होगी इसके कारण, जिसको हम बोलेंगे I1। I1 इज प्राइमरी करंट और करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। और देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि हम कंडक्टर कितना भी अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे शो किया है R1 से। सो R1 इज़ वॉट, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो R1 जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है हमने। एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उसको हम R1, वी आर सेइंग R1 विच इज़ रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे X1 आ रहा है, इट इज़ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या होता है, लेट अस सी। यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है, पूरा की पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग पर लिंक नहीं होगा। कुछ ना कुछ फ्लक्स है जो प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग पर ही लिंक रहेगा, मतलब इंटर टर्न लिंक रहेगा, उसको हम कहेंगे लीकेज फ्लक्स। दिस फ्लक्स इज नोन एज लीकेज फ्लक्स विच इज नॉट लिंक विद द सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड ड्यू टू दिस अ रिएक्टेंस कम्स इन टू द पिक्चर। इसके कारण एक रिएक्टेंस यहाँ पर एग्जिस्ट होगा और उसको हम बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। X1 इज वॉट, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है सेकेंडरी पे लिंक नहीं हुआ, लीक हो गया, उसके कारण एक रिएक्टेंस यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, उसको हम बोलेंगे X1 लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। इसके बाद देखिए ये जो I1 करंट फर्दर यहाँ पे चलेगी, इसके बाद इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे यहाँ पर, I0 प्लस I1 डैश। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए KCL इक्वेशन लिखी है, I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। इन दोनों का वेक्टर सम रहेगा ये। और यहाँ पे I0 मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए I0 इज नो लोड करंट, I1 डैश जो होगी वो तो प्राइमरी सर्किट में प्राइमरी वाइंडिंग फ्लो होगी। I1 डैश द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग बेसिकली, बट I0 इज नो लोड करंट। ये ऐसी करंट है जब ट्रांसफार्मर पे लोड कनेक्ट हो या नहीं कनेक्ट हो, दोनों ही केसेस में नो लोड करंट फ्लो होगी। ये 2-5% होती है ऑफ द रेटेड वैल्यू। और यहाँ पे देखिए अपन इसके बाद बात करेंगे इसकी, कि ये जो नो लोड करंट है इसका पर्पस क्या है। देखिए नो लोड करंट जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी हमेशा एनर्जाइज रहती है, उसमें लोड कनेक्ट करें या नहीं कनेक्ट करें, दोनों ही केसेस में ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो एनर्जाइज होगा, और उस कोर को एनर्जाइज करने के लिए करंट चाहिए रहेगी, और इसलिए उसको हम कहेंगे नो लोड करंट। तो फर्दर यहाँ पे द थिंग टू बी रिमेंबर इज दिस, दैट नो लोड करंट फ्लोस इन बोथ द केसेस, एट नो लोड एज वेल एज एट लोडेड कंडीशन। तो यहाँ पे नो लोड करंट क्यों फ्लो हो रही है, ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजेशन के लिए, ट्रांसफार्मर की कोर जो है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए। तो फर्दर इसके दो कंपोनेंट होंगे I0 के, यहाँ पे देखिए फिर इसका वेक्टर सम है IC प्लस IM। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो जो IM है, इट इज मैग्नेटाइजिंग करंट, इट इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट तो हो गया मैग्नेटाइजेशन का, जो कि कोर को मैग्नेटाइज करने में यूटिलाइज होगा। सो IM इज व्हाट, इट इज द करंट एंड इट इज द मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। ये नो लोड करंट का ही कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटाइजेशन में यूटिलाइज होगा। और यहाँ पे जब भी कोई भी मैग्नेटिज्म
प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, तो उसको कॉइल से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉइल से रिप्रेजेंट किया और XM इसका रिएक्टेंस हो गया, सो इट इज़ नोन एज मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो यहाँ पे आई नॉट का जो पहला कंपोनेंट हुआ IM, उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ नो लोड करंट, और XM हुआ मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस ऑफ नो लोड करंट। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा, इस कोर के मैग्नेटाइजेशन में कुछ लॉस भी होंगे, तो उसके कारण जो करंट होगी, जो करंट उसमें जाएगी, उसको हम यहाँ पे IC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ कोर लॉस करंट, और कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट इसका दूसरा कंपोनेंट हुआ, कोर लॉस कंपोनेंट। और जब भी लॉस होता है तो हम इसको रेजिस्टेंस से शो करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको RC से शो किया है। तो RC क्या है यहाँ पर, कोर लॉस रेजिस्टेंस, मीन्स जो कोर लॉस, कोर में जो भी लॉस होंगे उसको रेजिस्टेंस से शो किया है हमने। तो यहाँ पे हमारी जो नो लोड करंट है, पैरेलल ब्रांच है ये हमारी पूरी, तो इसमें नो लोड करंट है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, मैग्नेटाइजेशन करंट और कोर लॉस करंट। और जो कोर लॉस करंट है वो उसको हम शो कर रहे हैं किसमें फ्लो हो रही है, एक रेजिस्टेंस में। तो RC क्या हुआ, कोर लॉस रेजिस्टेंस। सो आई नॉट हो गई नो लोड करंट, IM हो गई मैग्नेटाइजेशन करंट, IC हो गई कोर लॉस करंट, एंड XM इज मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस, एंड RC इज वॉट, इट इज कोर लॉस रेजिस्टेंस। जो बची हुई करंट है, जो मेन करंट है, वो I1 डैश जो फ्लो होगी यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में, देखिए फ्लो हो जाएगी। और ये करंट कैसी है, ऑल्टरनेटिंग है नेचर में, तो ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। और हमको पता है कि जब भी फ्लक्स वेरी होता है तो एक EMF इंड्यूस होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वी नो वेरी वेल। सो E इज वॉट, माइनस एन डी फाइ बाई डी टी। सो वेन एवर अ फ्लक्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एन EMF विल इंड्यूस, सो EMF यहाँ पे इंड्यूस होगा, और यही फ्लक्स यहाँ पर लिंक हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी, तो यहाँ भी एक इंड्यूस EMF हो जाएगा E2। तो यहाँ पर देखिए EMF E1 को हम बोलेंगे प्राइमरी इंड्यूस EMF, एंड सेकेंडरी इंड्यूस EMF बोलेंगे E2 को। सो E1 इज वॉट, इट इज प्राइमरी इंड्यूस EMF, एंड E2 इज वॉट, सेकेंडरी इंड्यूस EMF। एक और इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, E1 इज सेल्फ इंड्यूस EMF, बिकॉज ये खुद की करंट के कारण, ये जो अपनी कॉइल है और सेम कॉइल में सेम करंट के कारण जो EMF इंड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF भी कहेंगे। वी कैन ऑल्सो कॉल एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, बट E2 इज अपीयर्स बिकॉज ऑफ द करंट इन द अदर वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो दूसरी वाइंडिंग में करंट है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट होने के कारण E2 यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, तो इसको हम म्यूचुअली इंड्यूस EMF भी कहेंगे। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, E1 इज प्राइमरी इंड्यूस EMF, और वी कैन ऑल्सो कॉल एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। E2 इज वॉट, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल एज म्यूचुअली इंड्यूस EMF। तो यहाँ पे E1 और E2 का कंसेप्ट समझ में आ गया, इन दोनों में इंसुलेशन है, यहाँ पे आइसोलेशन है, तो ये दो लाइन बनी हुई है। N1 इज प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, N2 इज सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी वो लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी, और जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्राइमरी पे भी कनेक्ट हो सकती है, सेकेंडरी में भी कनेक्ट हो सकती है, और ऐसे ही हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग है, प्राइमरी पे भी कनेक्ट हो सकती है और सेकेंडरी पे भी कनेक्ट हो सकती है। अगर प्राइमरी पे हाई वोल्टेज है तो सेकेंडरी पे लो वोल्टेज, मतलब स्टेप डाउन जैसा काम करेगा ट्रांसफार्मर, और प्राइमरी पे अगर लो वोल्टेज है तो सेकेंडरी में हाई वोल्टेज, मतलब स्टेप अप जैसा काम करेगा ट्रांसफार्मर। अब देखिए सेकेंडरी सर्किट पे आते हैं हम, यहाँ सेकेंडरी सर्किट पे इस EMF के कारण एक करंट फ्लो होगी, इसको बोलेंगे हम I2 सेकेंडरी करंट। और यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस रेजिस्टेंस को हमने R2 से शो किया है। तो R2 इज वॉट, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें भी एक EMF है E2, तो यहाँ भी फ्लक्स जनरेट होगा, और ये जो फ्लक्स है कुछ फ्लक्स होगा जो प्राइमरी पर लिंक नहीं होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग पर ही लिंक होगा, उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज लीकेज फ्लक्स, बिकॉज ऑफ दिस अ रिएक्टेंस कम्स इन टू द पिक्चर हियर ऑल्सो। यहाँ भी क्या होगा, एक लीकेज रिएक्टेंस आएगा X2, तो X2 को हम क्या बोलेंगे, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग को X2 से शो किया, और यहाँ पे ये जो I2 फ्लो हो रहा है लोड कनेक्टेड है, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमको V2 मिलेगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। तो V1 में आपको बताता हूँ कौन सी क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। V1 इज प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज, इट इज अप्लाइड वोल्टेज। R1 इज वॉट, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। X1 इज वॉट, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। I1 इज प्राइमरी करंट। I0 इज नो लोड करंट। IM इज मैग्नेटाइजेशन करंट।
IC is core loss current, RC is core loss resistance, XM is magnetization reactance. I1 dash is current through the primary winding, E1 is primary induced EMF, E2 is secondary induced EMF, N1 is primary number of turns, N2 is secondary number of turns. R2 is resistance of secondary winding, X2 is leakage reactance of secondary winding, I2 is secondary current and V2 is output terminal voltage. अब देखिए यहाँ पे दो KVL equation बनी है, इसको आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये KVL equation. तो जो V1 है हमारा, V1 is equal to होगा I1 R1 plus I1 X1 J के साथ, क्योंकि यहाँ पे 90 degree का phase shift होता है, तो यहाँ पे J use होगा plus E1. तो यहाँ पे KVL equation जब हम लगाएंगे तो V1 is equals to I1 R1 प्लस जे आई वन एक्स वन प्लस ई वन, ई वन को ऐसा नीचे की ओर लिया है अभी. तो यहाँ पे देखिए ये केवीएल इक्वेशन हो गई हमारी, और यहाँ पे जो सेकेंडरी में वहाँ पे अब सोर्स हो गया ई टू, सो ई टू इज इक्वल टू आई टू आर टू, यहाँ पे ये ऐसा बना है, प्लस जे आई टू एक्स टू, रिएक्टेंस में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है तो यहाँ भी जे आ जाएगा, जे आई टू एक्स टू प्लस वी टू. तो यहाँ पे ये KVL इक्वेशन हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग की. ये दोनों KVL इक्वेशन और ये KCL इक्वेशन जो दोनों बनी हैं, जब हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब ये बहुत यूजफुल होगी, बहुत वहाँ पे काम आएगी. तो मैं आपको उस केस में बताऊंगा कि इनका कैसा, इनको यूज़ करके कैसे फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है, तीन केसेस में, इंडक्टिव लोड के केस में, रेजिस्टिव लोड के केस में और कैपेसिटिव लोड के केस में. तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस जे आई वन एक्स वन प्लस ई वन, ये हमारा KVL इक्वेशन बन जाएगा यहाँ का प्राइमरी सर्किट का. सो वी वन इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस जे आई वन एक्स वन प्लस ई वन नीचे की ओर, फिर ई टू इज इक्वल टू आई टू आर टू प्लस जे आई टू एक्स टू प्लस वी टू. तो ये यहाँ पे हमने इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग का KVL इक्वेशन दिया. फ्रेंड्स, ये आपको टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के और भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स लेकर आऊँ. थैंक यू वेरी मच.